हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज पी पाई बॉन्डिंग एंड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पी पाई बॉन्डिंग होती क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का, पहले तो जो भी अगर हम एटम लेते हैं या इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लेते हैं, सपोज नाइट्रोजन लिया है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, तो वैलेंस शेल में पी ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल में 3, पी शेल में 3 ऑर्बिटल। इसमें 1 पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 1 2 3, फिर पेयर्ड 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ये इसके क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग की बात करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की पी ऑर्बिटल और दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग। अगर एक इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, डी ऑर्बिटल में 5 शेल होते हैं, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, तो उसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इसको लिखना कैसे है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो के एंड में फोटोज होंगी नोट्स की, तो आप देख लेना उसको। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो किसी भी इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर तो एस और एस ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी ओवरलैपिंग में से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पी ओवरलैपिंग से भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, एस ये एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेगा, दिस इज पी ऑर्बिटल और दिस इज एस ऑर्बिटल, एंड से क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और पी पी, अगर जो पी बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी साइड वाइज तो पाई है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब ये एंड से ओवरलैपिंग करते हैं, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड किस किस में बनता है, पी पी ऑर्बिटल में, पी और डी ऑर्बिटल में, या फिर डी और डी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल में कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल है ये और ये पी, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। पी और डी, डी ऑर्बिटल कैसे होता है, डंबल शेप्ड, दिस इज डी ऑर्बिटल। और प्लस p ऑर्बिटल, इसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये d ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल ये हो गया आपका p ऑर्बिटल। तो ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन।
ठीक है, अगर तो कोई सिंगल बॉन्ड है किसी एटम में, किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, ठीक तो उसमें होगा सिर्फ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी में डबल बॉन्ड है, तो उसमें एक होगा वन सिग्मा बॉन्ड और वन पाई बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में या किसी एटम में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें वन सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड वन टू पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है आपको। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। एक और पॉइंट है जो इसमें नोट नोटेबल है, जैसे कि जो पाई पाई बॉन्ड होगा, पी पाई बॉन्ड, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा पी पाई डी पाई से, और पी पाई बॉन्ड डी पाई बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगेस्ट। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वन इज SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। SO2, तो सल्फर की जो शेप है वो कैसे बनती है? इसमें वन लोन पेयर होता है और हमने टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगाने हैं। अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और ये पाई बॉन्ड होगा। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। काउंट करें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आउटर मोस्ट शेल में कौन से यूज होंगे? 3s2, 3p4, ये यूज होंगे आउटर मोस्ट शेल के लिए। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट में क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? पहले 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन कितने लगाने हैं? टू, और उसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड, तो हमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब हम इसको शिफ्ट करेंगे डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल अभी इसमें क्या है? वेकेंट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में ये जो पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा डी ऑर्बिटल में।
ठीक है, अब हमने कितने ऑक्सीजन लगाने हैं? 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा हुआ? 2p4। p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन लगाने कितने हैं? 2। तो हम आउटरमोस्ट शेल बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। एक और ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4। तो जो अनपेयर्ड है, एक इसने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ये बना लिया इसने भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये बना लिया पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड है। अब ये क्या है? पी ऑर्बिटल, और ये भी पी ऑर्बिटल, मतलब पी पाए पी पाए। इसमें क्या है? 2p, ये 3p, 2p पाए, 3p पाए, मतलब पी पाए बॉन्ड। और ये वाला जो एक बचा है, डी पाए, 2 2p पाए, 3d पाए, 2p पाए, मतलब क्या हुआ इसमें? सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड। वन पी पाए बॉन्ड, ये वाला, और वन बना है डी पाए बॉन्ड। ठीक है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए आउटरमोस्ट शेल में अभी करके हटे हैं, एस ऑर्बिटल में 2 और पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और डी ऑर्बिटल इसका वेकेंट होता है। अब इसमें ओ कितने लगाने हैं? 3। 3 और लगाने हैं, और वो इसका पहले तो बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड बन रहे हो के साथ हर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो पी में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट हो जाएगा ये वाला डी ऑर्बिटल में। ठीक है, उसके बाद ये कितने हुए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें कितने चाहिए? 6। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मेरे क्या होगा? एक एस ऑर्बिटल का भी शिफ्ट हो जाएगा डी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब इसके साथ क्या लगाने हैं? ये क्या है? 3d, ये 3p और ये 3s। ठीक है, इसके साथ क्या लगाने हैं? ऑक्सीजन लगाने हैं। इसके साथ कितने ऑक्सीजन लगाने हैं? 3। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4।
ये 3 ऑक्सीजन बन गए। अब एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल बनेगा एक किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड। पी ऑर्बिटल का एक किसके साथ बनेगा, ये पी ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड। ये वाला इसके साथ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये क्या बना, 3 3 P π 2 P π, मतलब P पाई बॉन्ड। और ये वाला किसके साथ बनेगा, इसके साथ ये क्या बना, 3 D π 2 P π बॉन्ड। नेक्स्ट ये वाला किसके साथ बनेगा, इसके साथ, दैट इज 3 D π 2 P π। तो इससे हमें क्या पता चला, सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 3 P π, P पाई बॉन्ड कितने बने, 1 1 P पाई बॉन्ड। D π, P पाई बॉन्ड कितने बने, 2 D π, P पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। H3PO4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, P डबल बॉन्ड O O ये स्ट्रक्चर होता है O3, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड। ये एक सिग्मा और एक देखते हैं। ठीक है, पहले तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटरमोस्ट शेल में कौन से यूज होंगे, 3s2, 3p3। तो ग्राउंड स्टेट के लिए 3s2, 3p3। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे, जो एक एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर देंगे डी ऑर्बिटल में। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, शिफ्ट होगा। अब इसके साथ हमने लगाने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमने की थी, आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए आउटरमोस्ट सेल बना लेते हैं।
ये बन गए 4 ऑक्सीजन। अब इसके साथ क्या करना है, हाइड्रोजन। पहले तो 3 जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो हम इसके साथ लगा देते हैं हाइड्रोजन, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 3 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ये एस ऑर्बिटल, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और एक ये बनाएगा पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, 3P पाई, 2P पाई, पी पाई बॉन्ड, और एक ही इसके साथ क्या बनाएगा पहले, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बनाएगा इसके साथ, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या बनाएगा इसके साथ, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड। और पी पाई बॉन्ड हो गए 1, ओके। ये वाला बॉन्ड पहले इसके साथ, फिर उसके साथ ये वाला बॉन्ड बनेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा डी पाई। तो एक इसमें बन रहा है पी पाई डी पाई बॉन्ड, या डी पाई पी पाई बॉन्ड, जैसे भी, डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इसमें कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं बन रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। ये इसकी डायग्राम ऐसे होती है H2SO4 की। सल्फर की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p4। तो एस ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पी ऑर्बिटल में 4, और हमें इसके साथ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम जो पेड इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट कर देंगे डी ऑर्बिटल में, ये 3d 3p 3s। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। जो पी में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा डी में। डी में शिफ्ट हो गया एक। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, डी ऑर्बिटल में। अब ओ कितने हैं, 4। तो ओ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आउटर मोस्ट शेल की 4 वैलेंस शेल होते हैं। ओ के लिए बना देते हैं 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर,
1, 2, 3, 4। वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो इसके साथ तो एच लग जाएंगे, 2H। एक ये वाला बॉन्ड बनाएगा इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड बनाएंगे ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। एक एक जो बॉन्ड बना रहे हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये वाला रह गया हमारा, ये इसके साथ बनेगा, ये 3, ये इसके साथ बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा इसके साथ 3D पाई, 2P पाई बॉन्ड, और ये वाला इसके साथ बनेगा सेम 3D पाई पाई बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा बॉन्ड 2H के साथ भी बन रहे हैं। और उसके बाद 0 P पाई P पाई बॉन्ड, 2 बन रहे हैं D पाई P पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये थे T पाई P पाई और T पाई T पाई बॉन्डिंग। इसके बाद मैं नोट्स की फोटोज ऐड कर दूंगी, वो आप देख लेना। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और शेयर भी कर दो ताकि और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो सारी। जिसके नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड ऑफ द वीडियो। हो गया एंड, अभी आपको पता चल दिख जाएंगे नोट्स भी। तो आज हमने ये सब किया। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।